तो दोस्तों ये है जियो डाइव, जियो का नया वीआर हेडसेट है। एक नहीं तीन तीन आ गए हैं मेरे पास, लेकिन इनका करूं क्या आइडिया। एक ही जगह इस बिल्डिंग में जहां पर इन्हें ले जाया जा सकता है, विक्रांत सर के पास। तो चलते हैं स्पोर्ट्स तक के स्टूडियो और करते हैं इसकी स्पेशल अनबॉक्सिंग। हेलो हेलो हेलो, कैसे हो आप लोग? क्या हाल है सर? मैं बहुत बढ़िया सर, आप बताइए। मैं बताता हूँ आपको, आने वाली है अभी इतनी जल्दी। पहले मैं एक बार थोड़ा सा, वैसे तो इंट्रोडक्शन की जरूरत कोई है नहीं, बट राहुल भाई हैं यहाँ स्पोर्ट्स तक फैमिली से, मेरे एकदम बड़े भाई की तरह। विक्रांत सर को तो हर कोई जानता है, सर को शायद पता भी नहीं होगा हम जैसे कितने हैं ना, आपकी वजह से जर्नलिस्ट बन गए, जर्नलिज्म में आ गए, अब तो हमारे बाल सफेद हो गए हैं, ठीक है, इतने साल हमें भी हो गए। बट जो मैं चीज लेकर आया हूँ सर, ये जियो का एक वीआर हेडसेट है, ठीक है, एक 3D वीआर हेडसेट है। जो भी आप आईपीएल एक्सपीरियंस लेते हो उसको एकदम वर्चुअल रियलिटी के अंदर आपके एक्सपीरियंस को एलिवेट कर देता है, ये इनका क्लेम है। इसकी बात करेंगे, पहले आप बताओ आईपीएल चल क्या सर है? यार अब तक तो अच्छा ही चल रहा है, इनफैक्ट सांप सीढ़ी में सब के सब हैं अभी। हाँ अभी फिलहाल देखिए, हम तो बिकाऊ हैं, जो टी शर्ट भेज देता है हम पहन लेते हैं। वैसे आपको पता ही है कि राजस्थान रॉयल्स को हम लोग बड़ा जज्बात हैं हमारे उस टीम के साथ। हम लोग नहीं, आप, मैं हाँ। भी जयपुर का हूँ। आप दोनों करते हैं, मैं पंजाब को करता हूँ। बट वो तो खैर नल एंड वॉइड हो जाता है। बैंगलोर को भी करते हैं, हैदराबाद को भी करते हैं, पंजाब को भी करते हैं। ये वाले स्पेशल फैंस है जो पंजाब और बैंगलोर को अभी तक सब, ये लॉयल फैंस है, इनकी लॉयल्टी टेस्ट हो चुकी है। वो देखिए वो होता है कभी कभी, आप ट्रेजिक फिल्में ज्यादा बिकती है ना। बट चलिए आज मैं आपको थोड़ा सा आईपीएल एकदम डिफरेंट स्टाइल में दिखाता हूँ। हाँ मैं काफी इसे देखना चाहूंगा। आप भी पकड़ो एक, इसको heard about it, बनने कभी experience नहीं किया। हाँ तो खोलिए ना, अनबॉक्स कीजिए, आप ही के लिए लेकर आए हैं एकदम fresh from the fridge। जिंदगी में पहली बार किसी चीज की अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। फोन भी मिलते हैं पुराने घर में मुझे। ग्लव्स तो आपने बहुत अनबॉक्स, नहीं वो अनबॉक्स नहीं होता ना, वो तो मतलब ये इधर से आई थिंक ये। अच्छा ओ, पहले तो डब्बे आते थे घर में, क्या होता है हमारे फोन किसी के यूज हो जाए फिर उसके बाद मुझे दे देते हैं, तो वाह। मैं मीनवाइल थोड़ा सा बता देता हूँ भाई, जियो का ये वीआर हेडसेट है, जियो डाइव इसका नाम है। ये आ गया है बाहर एकदम, आपने वीआर हेडसेट देखे होंगे बहुत सारे। ये थोड़ा सस्ता वाला है, 2500 रुपए इसका प्राइस है, 1300 का मार्केट में ये मिलेगा। एंड द बेसिक पर्पस इज कि अभी आप फिलहाल आईपीएल जो है वर्चुअल रियलिटी के अंदर एक्सपीरियंस कर सकते हो, धीरे धीरे और भी चीजें आ जाएंगी। इसको यूज कैसे करना सर? ये बेल्ट आपने खोलनी है यहाँ से और इसको आप, अच्छा ये लेंसेस के लिए हो। हाँ ये यार ये अच्छी चीज दी है वैसे, माइक्रोफाइबर क्लॉथ है बॉक्स के अंदर। ये वापस तो नहीं देना ना अगर टूट जाए गिर जाए कहीं उससे, ये आपको बस पहन लेना चाहिए। हाँ ये आप पहन लीजिए, ये लीजिए, आपके इस पे वो लगे होंगे लेंसेज के ऊपर, इसको आप हटा दीजिए। अभी तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा सर, बड़ा पेशेंटली वेट कर यार, मेरी तो एक तो उंगलियां इतनी मोटी हैं कि, अरे वाह, जैसे आईज टेस्ट कराते हैं ना मुझे उस तरह की। आपको तो ठीक है, मेरा तो वो रखा है अभी, मैं कहां हूं, अगर आप एक मिनट मुझे दें तो मैं आपको बताओ तो सही। ओह वाह, फिलहाल एकदम हाइलाइट्स लगाई हुई है क्योंकि लाइव मैच इस वक्त चल नहीं रहा है। यहाँ पर सर दो ऊपर ना सर्कुलर नॉब्स हैं, अगर आप हाथ लेकर आएंगे यहाँ इधर और एक इस तरफ भी है सेम। इससे आप अपना फोकस एडजस्ट कर सकते हो, जो पिक्चर क्वालिटी आपको दिख रही है वो क्लियर कर सकते हो आप, थोड़ा हो सकता है ब्लरी हो। कौन खेल रहा है थोड़ा बताइए तो हमको, अंदर चल क्या रहा है जी? मुंबई वर्सेस RCB और बैरन डॉफ आ गए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, एक्चुअली सेलिब्रेशंस दिखा रहे थे वो मैच के बाद। सूर्य कुमार यादव वाज ऑल पम्प्ड अप, विराट काफी डिसअपॉइंटेड थे। इसमें गौतम गंभीर विराट कोहली की लड़ाई देखने में कितना मजा आएगा ना। और अभी तो सूर्य कुमार यादव की बैटिंग है और सामने राशिद बॉल कर रहे थे, ये सूर्य कुमार यादव की बैटिंग दिखा रहे हैं। मैच भी आपने वही निकाला, मुंबई और गुजरात का जो आज चल रहा है, आज होना है। बिल्कुल। How do you like the experience though? कैसा लग रहा है? Very good. But ये उसमें क्या है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक रूम में बैठा हूँ। जो हम स्पोर्ट्स तक में बोलते हैं कि जी आपने ड्राइंग रूम में हो, सो वर्चुअली ये एक ड्राइंग रूम है। थोड़ा इंग्लिश ड्राइंग रूम लग रहा है यार। आप देखें ना इसकी जो छत है, ये पहाड़ों में ऐसी होती है या फिर इंग्लैंड वगैरह में ऐसी होती है। सो आपके राइट में क्या है? मेरे राइट में लाल रंग का एक सोफा है, हम सोफे और सामने बड़ी जबरदस्त पेंटिंग्स टंगी हुई है। ये मैं भी एक सोफे पे बैठा हूँ ऐसा लग रहा है, वो भी रेड कलर का। आपका फोन कहाँ है? मेरा फोन कहाँ दिखेगा यार? अब सोफे, अब आप फोन तो अपने हाथ में ही होता है ना? नहीं आसपास मेरा हाथ ही नहीं दिख रहा है। लेकिन फोकस थोड़ा बेहतर करना होगा। इसमें कमेंट्री सुनाई देगी?
इसके लिए हाँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि इसमें ऑडियो कैसे आएगी। तो ऑडियो ऐसे नहीं आएगी, ऑडियो के लिए आपको ईयरबड्स हेडफोन्स ये कुछ कनेक्ट करने पड़ेंगे, उसके थ्रू ऑडियो आपके पास आएगी। तो वो लगा के आप सुन सकते हो। अच्छा अच्छा, ये कर्सर भी है मेरे पास, ये फोकस एकदम दुरुस्त करने के लिए। बैटरी वैटरी कुछ नहीं है, बैटरी आपके फोन की, फोन पे चल रहा है ना, इसमें कोई बैटरी का कोई खेल नहीं है। अभी आपको भी दिखाएंगे, आप भी बताइएगा। मैं तो आपके लिए स्पेशली राजस्थान रॉयल्स का मैच लगाऊंगा मैं। ओह ओके, तो कर्सर मुझे इस्तेमाल करना आ गया। अब मैं एक्चुअली चले गया हूं उनकी वेबसाइट पे और मैं कुछ भी मैच ये देख सकता हूं। यस, ये आ गया जी। बाय द वे अभी सिर्फ आईपीएल के लिए सपोर्ट है, आईपीएल के जो मैचेस वगैरह हैं वो आ रहे हैं, बट धीरे धीरे इसके ऊपर जो मूवीज वगैरह हैं वो भी आ जाएंगे। जियो सिनेमा के ऐप पर सारी मूवीज और ये सब कॉन्टेंट रहता है, उसको भी धीरे धीरे मैप कर देंगे। कंपैटिबल है सिर्फ और सिर्फ जियो के ऐप के साथ। जियो का भी जियो इमर्स ऐप है, एक पर्टिकुलर ऐप है, उसके साथ ये कंपैटिबल है। और 4.7 इंच से लेकर 6.7 मेरे सामने जी, कोलकाता और राजस्थान रॉयल्स का जो कल रात का मैच था, क्या मैच था ना, लेकिन सर यशस्वी जायसवाल इंडिया खेलेगा लड़का 100% वर्ल्ड कप। नेक्स्ट जो T20 है भारत खेलने जाएगा इंडिया, उसमें वो उनको मौका मिलेगा। होपफुली नेक्स्ट ईयर आपको वर्ल्ड कप में दिखेंगे T20। आप प्लीज राहुल भाई, अब आप स्पेशली राजस्थान रॉयल्स का मैच है तो आपको देखिए देखिए देखें इसमें है क्या चीज। अरे बाप रे बाप, कहीं टक्कर मत भैया, खड़े हो गए आपने, बड़ा डेंजरस काम किया थोड़ा सा। बैठ जाओ आराम से, बैठ जाओ। बस जहां पर हाथ जा नहीं रहा, जहां तक मतलब दिख रहा है। अरे मैच आपका सोफा वही रेड कलर का है, आपने नीचे देखिए। हाँ ये रहा, आप बैठ सकते हैं। ये आपके राइट साइड पे पेंटिंग्स कितनी खूबसूरत है। ओह ये तो वो है, ऐसा लग रहा है जैसे वो मॉडर्न आर्ट NFTs है टंगी हुई। मॉडर्न आर्ट नहीं यार, मैं एक्चुअली अब तो मैं जहाँ से उठा मैं वहाँ भी नहीं बैठ सकता, दिक्कत ये हो गई है। आगे आगे थे या पीछे थे? ये गुरबाज शुरू हो गए हैं और ये ओहो गैप से निकल गई। खैर राजस्थान और KKR का मैच चल रहा है, ये तो कल वाला ही मैच है। और खैर एक सेकंड में बैठ के देखता हूं। मैं तो सरप्राइज हूँ, सही जगह बैठ गए। मुझे लगा था कहीं जरा पकड़ना पड़ेगा थोड़ा। अच्छा मुझे आप एक बार बताइए, एवरीथिंग इज गुड, मैं इसको क्यों इसमें देखूं? ये मेरा भी एक पॉइंट है, क्यों देखूं? कि क्यों मैं इसके अंदर देखूं? मेरे सामने अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे 75 इंच का टीवी है, नॉट दिस वन। मैं पॉइंट पर आता हूँ ना आपके, एक बार दिखा दो जरा, ये स्पोर्ट्स तक का स्टूडियो है, यहाँ पर बड़े सारे 75 इंच के टीवी है, हर 85 है सब। तो बट क्या होता है, कई सारे लोग शायद ऐसे होंगे जिनके पास उतना बड़ा टीवी ना हो, या फिर घर में एक ही टीवी है, पापा को रात को उस पर कोई शो देखना है, मम्मी को अनुपमा देखना है, अब वो क्या करेगा? अच्छा उसको फिर फोन पे देखना पड़ता है। तो फोन की जगह आप एक VR हेडसेट लगा के थोड़ा सा एक बेटर एक्सपीरियंस ले सकते हो। हाँ बट मतलब आई अग्री, ठीक है वो आप देखने के लिए देख सकते हो, बट आप ये देखिए उसमें आपका एक फोन भी इन्वॉल्व हो रहा है, आपके एयरपॉड्स होंगे या ईयरबड्स होंगे आपके कान में, वो भी आपने लगा रखा है, फिर ये भी लगा रखा है ऊपर से। मतलब आप उस हिसाब से कर सकते हो, बट मेरा पहला सवाल वही है कि मैं इसमें क्यों देखूं अगर मेरे पास ऑलरेडी टीवी है। बट आप जैसे बोल रहे हैं कि भाई जिनके घर में टीवी कम है ऐसे बोले नहीं, हमें बहुत बर्तन होते हैं वैसे टीवी बहुत सारे हैं। अगर ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके घर में 5-5 टीवी है। सर आपकी तरफ इशारा किया उन्होंने बोलते हुए, उनको पता ही नहीं आप बैठे उधर, एक्चुअली इसमें दिख नहीं रहा ना, तो वो है मतलब इट इज गुड, मतलब एक्सपीरियंस के लिहाज से आप बोले अच्छा है। बट अब आप बताइए फीमेल्स हैं, अब आप बोल रहे हैं कि सीरियल देखने हैं, ये तो खत्म हो गया अभी, हाईलाइट खत्म हो गया, मतलब मैं बोल रहा हूँ मैच खत्म हो गया, IPL खत्म हो गया, तो आप बोल रहे हैं कि औरतें घर में इसको पहनकर टीवी सीरियल्स देखेंगी? मूवीज देख सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, आपको एवेंजर्स देखनी है, आपको अवतार देखनी है, फोकस ठीक हो गया था, एवरीथिंग इज फाइन। मैं बोल रहा हूँ इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एवरीथिंग इज गुड, बस मेरा सवाल ये है कि वाई दिस, मैं इसमें क्यों देखूँ? अभी मेरे को कलर्स, आप देखिए जो आप नॉर्मल टीवी में देखते हैं आप कलर्स एडजस्ट कर सकते हैं, आपके ब्राइटनेस, आई थिंक मुझे थोड़ा लगा कि ब्राइटनेस मुझे भी थोड़ा स्ट्रगल हुआ, बट वो मैंने देखा क्योंकि मेरी जो अब नज़र का चश्मा है तो मे बी दैट इज द रीजन, बिकॉज ऑफ ग्लासेस मैंने पहने नहीं हुए, तो हो सकता है ये पास है तो इसलिए मेरा फोकस। बट इसमें बेस्ट चीज़ जो मुझे लगी है टू एक्सपीरियंस इट इज नॉट बैड। आप मैं इसमें देख रहा था इसका MRP इज 2500। अरे MRP 1300 है, 2500 तो डब्बे पे लिखा हुआ है, 1300 रुपए का है। मतलब उस प्राइस के लिए ये है कि आप एक शगुफा रख सकते हैं आपके घर में, स्मार्टफोन स्मार्ट टेलीविजन भी जाहिर तौर पर,
होगा ही, तो आप उसको वहां पर भी स्ट्रीम कर सकते हैं। तो ये जरूरत ऐसा नहीं है कि नीड बेसिस नहीं है, ये शौक है, ये शौक है, डेफिनेटली शौक के लिए आप एक नई चीज आई है, ये शौक के लिए आप इस्तेमाल कर। अगर मैं टेक पॉइंट ट्रस्ट, जैसे आप कार ड्राइव करते हुए, आप जैसे आईपीएल का मैच है फॉर एग्जांपल, आईपीएल का मैच है, आप कार ड्राइव कर रहे हैं, आपके साथ मैं बैठा हूं, तो मैं उस पे लगा के बैठ जाता हूं, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि आप को जियो पे ही दिखता है, दोनों को देखना है। हाँ, तो आप ये नहीं लगा सकते, हम दोनों ये पहन के आ रहे हैं, अगर आप ड्राइव करना शुरू कर सकते हैं ना, या आप यू नो आप ऑफिस में पानी पीने जा रहे हैं चलते चलते, तो ये पहन के तो नहीं है। नहीं, वो तो खैर उन्होंने बोल ही दिया कि आप घर पे बैठे हैं, आप किसी एक सिक्योर जगह पे बैठे हुए हैं, वहां पे आप देख लीजिए, जैसे आप चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, मैं इधर बैठा हूँ आपके बगल में, मैं देखते हुए आ सकता हूँ, बट फिर उसमें ये है कि मैं आपको कमेंट्री दे रहा हूँ, बट वो पॉसिबल नहीं है। बट जैसे आपने कहा वही 1300 रुपए तो वाजिब है, आई थिंक 1300 रुपए में शॉक के लिए ठीक है। शॉक के लिए ठीक है, मैं टेक पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, देखो थोड़ी सी बिल्ड क्वालिटी सर ऑनेस्टली बेटर हो सकती थी, बिकॉज सस्ता है तो थोड़ा सा चीप क्वालिटी है, जैसे मैंने कहा फोकस कुड बी बेटर, फोकस अच्छा नहीं है इतना। हाँ, और लिमिटेड यूज केस है, मेरे लिए सबसे बड़ी बात अभी ये कि 1300 रुपए में लिमिटेड यूज केस है। होपफुली जो ये क्लेम कर रहे हैं कि और सपोर्ट आएगा चीजों का, वो होपफुली जल्दी आए, तो फिर एक वाजिब एक वजह बनेगी इसको खरीदने। एक चीज इसकी मुझे जो अच्छी लगी वो ये है कि आपने पहना ऑन, हाँ, कुछ उसमें वो नहीं, आपको वो बहुत ज्यादा उसमें हैसल फ्री एक्सपीरियंस, कोई भी यूज कर सकते हैं, एनीबॉडी। हम इसका गिव अवे भी कर रहे हैं, तो जो हमारा चैनल है फाइबर FIIBER, उस पर आप आ जाइए, फाइबर हिंदी पर हमारा वीडियो होगा, वहां पर कुछ सिंपल से गिव अवे रूल्स मैं आपको बता देता हूँ। 3 चीजें आपको हमें फॉलो करना है, फॉलो मतलब जस्ट बी थोड़ा सा एक्टिव, मैं ये भी नहीं कर रहा सब्सक्राइब करो, आओ कमेंट करो, सब्सक्राइब भी करा लो तो क्या होगा, वो आप बोलो ना तभी करेंगे, नहीं आप फॉलो भी करवाओ, कमेंट भी कराओ, और आप सब्सक्राइब शेयर भी करो। अब तो सर ने बोल दिया, सब्सक्राइब करने में 5 सेकंड लगते हैं आपको, मैं बताऊं ज्यादा वक्त नहीं लगता, सब्सक्राइब करो, एक्टिव रहो, दूसरा हमें रीजन बताओ आपको क्यों चाहिए, तीसरा एक छोटा सा सवाल है मेरा, एक क्वेश्चन है, आप दोनों को तो पता ही होगा आंसर, कौन से बैट्समैन थे जिन्होंने गुजरात के अगेंस्ट आखिरी ओवर में 5 छक्के मार के KKR को मैच जिताया था, उसका आपको जवाब बताना है। ये तीनों, हाँ मुझे तो याद है, ये आप बढ़िया मजाक कर रहे हो, नहीं नहीं मुझे मेरी मेरे को कल के मैच का नहीं पता होता आजकल, मैं आपको क्लू दे दूं, हाँ रिंकू सिंह, मुझे लगा आप यस दयाल, नहीं क्लू दे रहा था, उनके पास वो बैट है जो आपके पास भी है, वही बैट, सही बात, वही मतलब, तो अब दूसरा सवाल पूछिए बस ये, नहीं हम उसको म्यूट कर देंगे, सवाल यही रहेगा, म्यूट कर देंगे इसको, आप ये सवाल पूछिए कि उन्होंने मारा किसको था, वो मैंने बता दिया ना, मारे साले का खोपड़ी तोड़ साले का, वो भी तो निकल गया, दोनों चीजें निकल गई। चलो, इस आईपीएल का हाईएस्ट स्कोर किस बैट्समैन ने बनाया, इंडिविजुअल स्कोर, ठीक है, ये वाला वाजिब है एकदम, अभी तक क्लू दीजिए, अरे बस यार उनको चलिए, और बाकी अगर स्पोर्ट्स तक के भी कोई व्यूअर हैं जो चाहते हैं जीतना, आप लोग भी पार्टिसिपेट करो आके, बिल्कुल, तो जो गिव अवे है उसमें हम जब भी विनर अनाउंस करेंगे, यू कैन ऑल्सो विन दिस, वी आर एचर, थैंक यू सो मच सर, ऑल द बेस्ट, आप लोग, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर वंडरफुल एक्सपीरियंस, थैंक यू।